अगर वो ईमानदारी से एक बार अपनी तैयारी अच्छी कर लेता है, चाहे रिटर्न हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो उसके बाद में उसको नौकरी मिलना तय है, एक नहीं तो दूसरी, वो बेरोजगार नहीं रह सकता। और जो लोग सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं, उनका तय है कि वो बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर सकते। क्योंकि सफलता का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत ही आखिरी विकल्प है। अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनना, अगर आपका भी सपना है ASI बनना, तो सबसे पहले तो बेटा याद रखना, नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है, तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात अगर छोटी सी भी चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। यानी कि आपके रास्ते किसी की एक बात से चेंज हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आज इस क्लास के बाद कम से कम एक बच्चे के दिल में वो बात चुभ जाए और वो अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाए। और ये मेरा हर उस बच्चे से कमिटमेंट होता है कि आप जितना टाइम मुझे देंगे ये वीडियो सुनने के लिए, आपको उससे पक्का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट CRPF, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और ASI की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रिम से ही क्यों हुए, 100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी सब इंस्पेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने विश्वास किया रिम पर, स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने फॉलो किया मुझे। अभी देखिए बेटा, जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है वो मेरे दिमाग में भी आएगी, अगर यही सिलेक्शन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के होंगे, यही सिलेक्शन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की सूचना अगर न्यूज़पेपर में या किसी भी जगह अगर मैं भी देखूंगा, तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि 100 बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से, 859 में से एक इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शन होंगे, तो इतने इंस्टीट्यूट चलते हैं राजस्थान में, इतनी तो वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझ लो, एक बार अच्छे से समझ लो, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है बेटा, एक ही स्टूडेंट होता है, वो रिटन एग्जाम की तैयारी किसी अलग जगह से करता है, उसके बाद वो फिजिकल की तैयारी के लिए किसी अलग जगह से करता है, कई बार वो फिजिकल तैयारी सेल्फ भी कर लेता है, इसके बाद में वो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अलग जगह ज्वाइन करता है, क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, मॉक इंटरव्यू भी ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ वो ऑनलाइन गाइडेंस भी ले सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है, उस स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि एक ही स्टूडेंट अपने एक सिलेक्शन के पीछे वो कई इंस्टीट्यूट विजिट करता है, वो कई लोगों से कई चीज़ वो सीखता है, मेरे से वो अलग चीज़ सीखता है, दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से अलग चीज़ सीखता है, तीसरे किसी इंस्टीट्यूट का जो वीडियो होता है उसमें उसको अलग चीज़ सीखने को मिलती है, तो वो उस वजह से उसके सिलेक्शन में कई लोगों का श्रेय होता है, उसके पेरेंट्स का भी श्रेय होता है जो उसको मोटिवेट करते हैं, उसके सिलेक्शन में उसके दोस्तों का भी श्रेय होता है जो उसको सही गाइडलाइन देते हैं, उसकी कमियां बताते हैं। कितने लोग मैं बताऊं कि एक आदमी अगर मानने लगे तो उसकी लाइफ में कई लोगों का रोल होता है। तो इसीलिए हर इंस्टीट्यूट हर बच्चे पे अपना अपना दावा करता है, क्योंकि किसी ने रिटर्न कराया, किसी ने फिजिकल कराया, किसी ने इंटरव्यू करवाया। और अब बात करता हूं मैं रिम की, कि रिम से इतने ज्यादा क्यों है, मुझे क्यों गर्व है इतना, क्यों? वो इसलिए कि मैंने हजारों बच्चों को रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवाई। जब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 2021 की वैकेंसी आई, एक महीने पहले से मैंने ऑनलाइन तैयारी कराना शुरू कर दिया था। यूट्यूब के ऊपर आप रिकॉर्ड के लिए वीडियो देख सकते हो, 60 वीडियो मेरे सिर्फ गाइडेंस के आए हैं। वैकेंसी आई है फरवरी में, जनवरी में पहली क्लास मैंने शुरू कर दी थी, और सितंबर को जब तक एग्जाम नहीं हुई तब तक 60 क्लासों में मैंने बच्चों को वो सारी चीजें बताई। चाहे आप वो तैयारी वो कहीं भी कर रहे थे, लेकिन कब क्या तैयारी करनी है, कब कैसे तैयारी करनी है, ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मेरे 60 वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड है, डेट वाइज आप देख सकते हो, नंबर लगे हुए हैं उनके ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमने रिटर्न एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट दिया पूरे राजस्थान में। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये हजार बच्चे मेरे पास अगर जुड़े तो उसमें हजार के हजार रिटर्न पास कर गए, नहीं बेटा, हजार रिटर्न पास कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं होता ऐसा। उसमें से कुछ बच्चों ने सिर्फ रिटर्न एग्जाम पास किया, कुछ कौन से थे, जिन्होंने हर चीज को फॉलो किया, जो लगातार मोटिवेट रह सके, जो लगातार तैयारी कर सके, बाकी सारे लोग असफल हो गए।
लेकिन असफल होने वाला भी जिसने अगर मेरे पास तैयारी की है वो कभी भी ये नहीं कह सकता मेरे साथ गलत हुआ है या मुझे ये चीज कंप्लीट नहीं करवाई गई है। एक भी बच्चे को हमने असंतुष्ट नहीं छोड़ा। लास्ट में उसको ये समझ में आता कि कहीं ना कहीं मेरी खुद की कमी रही है जिसकी वजह से मैं ये रिटर्न एग्जाम पास नहीं कर पाया। अब उसके बाद में कुछ लोग तो उस बैच में से पास होके आ गए, रिटर्न में जो पास हुए, उसके बाद पूरे राजस्थान में मुझे गर्व है इस बात का, घमंड है अपनी टीम के ऊपर, इस रिम नाम के ऊपर, कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा फिजिकल तैयारी कराने का जो श्रेय है वो रिम डिफेंस एकेडमी को है। 20,000 बच्चों ने रिटर्न पास किया पूरे राजस्थान के क्रीम बच्चे, और उनमें से 1500 से ज्यादा बच्चे रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए आए, जिसमें बेटियों की संख्या ज्यादा थी। 800 बेटियां उस बैच में थी, 700 उसमें बॉयज थे, 1500 बच्चों को हमने फिजिकल तैयारी करवाई। और ईमानदारी से 6 महीने का बैच चला। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े फिजिकल के दौरान उनको तो पता होया ये चीज, बाकी आप भी देख सकते हो वीडियो सर्च करके। 6 मंथ के अंदर मॉर्निंग में 5 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक ग्राउंड में रहा, बिना पानी पिए बिना कुछ खाए। 6 मंथ के बाद मैंने अन्न जल ग्रहण किया उस बैच को कंप्लीट होने के बाद, और इतनी कड़ी तपस्या के बाद हमने जब फिजिकल का रिजल्ट देखा तो फिर वही स्थिति आएगी कि 100% बच्चों का फिजिकल पास नहीं हो सकता, लेकिन हमने जो मेहनत की उसमें कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। ये एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने फिजिकल के दौरान हमें मिसगाइड किया या कोई गलत चीज करवाई, यानी कि मैक्सिमम बच्चों ने फिजिकल पास किया। अब रिटर्न अगर कमजोर रहा होगा तो उसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे राजस्थान से बच्चे आए थे जगह जगह से रिटर्न एग्जाम की तैयारी करके। अब उसके बाद में जब उसमें से फिजिकल में से जो बच्चे क्वालिफाई कर गए वो बच्चों में से फिर इंटरव्यू की बारी आती है, तो इंटरव्यू के लिए भी हमने 5 बैच चलाए, 300 से ज्यादा बच्चों को मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवाई। और इंटरव्यू की तैयारी का मेरा 1 महीने का बैच होता है, 5 दिन 7 दिन के सेमिनार मॉक इंटरव्यू, ये मैं ज्यादा नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं बच्चे को कॉन्फिडेंस देने में, बच्चे को एक अलग तरह से तैयारी कराने में, और उसके लिए 1-1 महीने के मैंने इंटरव्यू के बैचेज चलाए। 300 से ज्यादा बच्चों ने इंटरव्यू की तैयारी मेरे पास की। हो सकता है कि उन्होंने रिटर्न कहीं और से किया होगा, फिजिकल उन्होंने सेल्फ किया होगा कहीं और से किया होगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो मेरे साथ जुड़े। और उसके बाद जब फाइनल जब सिलेक्शन हुआ तो तीनों लेवल के एग्जाम के बाद जो सिलेक्शन है वो 100 से ज्यादा है। ये कारण है जिससे आपको विश्वास नहीं होता, जिससे आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूट से 100 कैसे होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि रिम डिफेंस एकेडमी पूरे राजस्थान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे सबसे अच्छा रिजल्ट, और साथ में तीनों तरह की तैयारी एक ही जगह, रिटर्न भी, फिजिकल भी और इंटरव्यू भी, और तीनों में ही हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बेटा एक शहर के अंदर, एक टाउन के अंदर अगर 10 हॉस्पिटल है, मान लो एक बार आप 10 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, तो हर आदमी क्या एक ही हॉस्पिटल में जाता है, जो सबसे बेस्ट होगा उसी में जाएगा क्या? तो 9 तो फिर खाली रह जाएंगे। तो हर आदमी को जहां विश्वास होता है वो वहीं जाता है। अब उसके बाद में क्या हर हॉस्पिटल 100% इलाज करता है क्या? कोई ना कोई डेथ तो हर हॉस्पिटल में होती है। वैसे ही सेम सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मुझे गर्व है पूरे राजस्थान में जो एजुकेशन सिस्टम जो इतना मजबूत बना है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और पूरे भारत में हम नाम कर रहे हैं, तो इसमें सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे उसमें निर्मल सर हो उत्कर्ष क्लासेस वाले, चाहे उसमें सुभाष सर हो तारानगर वाले, चाहे उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन अजमेर में हो, चाहे उसके बाद में आशू जी जो काम कर रहे हैं, आशू जी के ट्रिक है उस पर, उस चैनल पे उन्होंने जितना काम किया है बच्चों के लिए, जितनी हार्ड वर्किंग की है। और सबसे बड़ा जो नाम जो रिटर्न एग्जाम में मैंने देखा है उसमें स्प्रिंग बोर्ड के काफ़ी बच्चे मेरे पास में आए जो इतना अच्छा काम रिटर्न के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। अब आपको थोड़ी सी देर लगती है किसी के बारे में कुछ भी बोलने में, लेकिन उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितनी सालों से वो मेहनत कर रहे हैं वो कोई नहीं देख पाता है। मुझे 11 साल हो गई ये काम करते हुए, 11 ईयर से ये काम कर रहा हूँ, ऑफिसर की नौकरी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके। कितना उस दिन ये चैलेंज होगा मेरे लिए, आज तो लगता है कि मैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब एक स्टूडेंट के साथ शुरू किया था तब कितना बड़ा रिस्क था। लेकिन वो चीज़ अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो इसीलिए बेटा रिम डिफेंस एकेडमी है जिसके सिलेक्शन 100 से ज्यादा हुए हैं। जो लोग एक एक तैयारी करवा रहे हैं, चाहे रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न में अच्छा करवा रहे हैं, जो सिर्फ फिजिकल करा रहे हैं फिजिकल में अच्छा करा रहे हैं, जो इंटरव्यू करवा रहे हैं इंटरव्यू में अच्छा करवा रहे हैं,
तो इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बोलने से पहले आप एक बार ये सोच के देखिए कि उसमें सच्चाई कितनी है। हर आदमी का अलग अलग तरह का काम होता है, हर आदमी का तरीका अलग अलग होता है काम करने का, कोई मोटिवेशन अच्छा करता है और वो सबके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी ये बातें कोई स्टूडेंट एक मिनट भी नहीं सुन पाए, और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो लास्ट तक सुने। आज बेटा ये कंपटीशन का जमाना है, इसमें जो लोग दूसरों से जलते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो एक अच्छे इंसान नहीं होते, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं बेटा। आज बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े नाम जिन लोगों के हैं ना, उन लोगों से कभी मिलके देखिए वो कितने अच्छे इंसान है, उनका दिल कैसा है। वो हो सकता है वो आपको किसी वजह से बुरे लगते होंगे, वो नाम आपको किसी वजह से ईर्ष्या आपके अंदर आती होगी, लेकिन उन लोगों से कभी मिलके देखिए, उन इंस्टीट्यूट का कभी विजिट करिए, जहां आप जाने के बाद आपको लगेगा कि वो लोग, उनकी टीम कैसे काम करती है, वो लोग कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। तो आप भी कभी आइए, स्वागत करूंगा आपका रिम डिफेंस एकेडमी में। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट कभी भी विजिट करने के लिए आ सकता है, मिलने के लिए आ सकता है, और उसके बाद में आपके जो सारे डाउट्स हैं ना, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक इंस्टीट्यूट से 100 से ज्यादा सिलेक्शन क्यों है। और ये तो ऑफलाइन है, इसके अलावा ऑनलाइन में इससे कई गुना ज्यादा है। बहुत से बच्चे तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने सिर्फ आपको यूट्यूब पे सुना है, सिर्फ आपकी वीडियोस मैंने देखे रिटर्न एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी ये रैंक है। वो बच्चे जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर है, जो जयपुर का खर्चा वह नहीं कर सकते, और इसीलिए मैं हर वीडियो में ये चीज बताता हूँ कि जो जयपुर का खर्चा वह नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन भी तीनों काम करवा रहे हैं, रिटर्न भी करवा रहे हैं, उसके अलावा फिजिकल भी हमने ऑनलाइन करवाया है, इंटरव्यू भी ऑनलाइन करवाया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन और तीनों लेवल की तैयारी आपको रिम डिफेंस एकेडमी में एक ही जगह मिल सकती है। अब इसके बाद में एसआई और एएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है आपको। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे असफल हुए हैं, वो बच्चे दोबारा से तैयारी में जुट जाओ, बहुत जल्दी आपके लिए एसआई और एएसआई, बेटियां जो असफल हो गई किसी भी वजह से, मेरिट में फाइनल में अपना स्थान नहीं बना पाई, वो अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर से दोबारा निराश होना पड़ सकता है बेटा। और जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, वो एक जगह नहीं तो कोई बात नहीं, एक वैकेंसी में कुछ हो गया तो क्या हो गया, दूसरी वैकेंसी में हम अच्छा करेंगे। और अभी मुझे एक बताते हुए खुशी है कि जितने बच्चे हमारे साथ फिजिकल में जुड़े हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे हैं जो बीडीओ और पटवारी में ज्वाइन भी कर चुके हैं, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और फिजिकली भी उन्होंने बहुत मेहनत की। सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, इस बैच में बन जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद ये वैकेंसी है, ये दोनों ही वैकेंसी का डेट किसी को नहीं पता है। चाहे एसआई की बात करें तो पिछली वैकेंसी को 2.5 साल हो गई, 21 में आई थी, अभी 23 आधी चली गई है, और ऐसे ही 2-2.5-3 साल के बाद में वैकेंसी आती आती है, तो आना निश्चित है। कई बार मैं बता चुका हूं, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह पुलिस स्टेशन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह से लोग प्रमोट हो रहे हैं, उसके अनुसार पूरी वैकेंसी खाली है और अगला बैच आने तक 2.5 साल लगभग लग जाते हैं। तो इतने दिनों तक और इतनी कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आएगी, बट किस वजह से डिले हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा होता है, जब नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन पता चलेगा, उसके बाद में हो सकता है ज्यादा टाइम नहीं मिले, ये ऐसा देखा जा रहा है पिछले दिनों। एएसआई की वैकेंसी का जो बेटियां इंतजार कर रही है, तो ये भी सेम वही स्थिति है कि अभी तक इसकी सूचना आई है, परमिशन मिली है, अब इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे, कौन भर्ती आयोजित करेगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे इसका पूरा पैटर्न चलेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होने में समय लगता है। कितना समय लगता है किसी को नहीं पता है, इलेक्शन भी होंगे आगे, चुनाव भी है इसी साल में, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ी सी डिले हो, लेकिन आएगी जरूर भर्ती। अभी एक बार डिक्लेरेशन हो गया तो पक्का आएगी, आप तैयारी करिए। और समय लगता है बेटा, आगे भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस आदमी के पास पेशेंस नहीं है ना, धैर्य नहीं है ना, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी ताकत आदमी की पेशेंस होता है। अगर आपने पढ़ाई शुरू की आज और 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप निराश हो गए, तो आप में पेशेंस नहीं है। तो तैयारी में भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, पेशेंस रखिए। एक जगह नहीं होगा तो दूसरी कोई वैकेंसी आएगी, अभी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, वही सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही हिंदी है, वही जीके है, वही साइंस है, वही करंट है, कुछ भी चेंज नहीं है। और यही कारण होता है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छे लेवल की होती है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाते हैं। एक साल में कितनी तरह की वैकेंसी निकलती है, कम से कम 10 तरह की वैकेंसी का मौका एक आदमी को मिलता है। तो आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वालों को भी सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब च्वाइस आपकी है कि आपको फटाफट तैयारी शुरू करनी है या फिर आपको इंतजार करते रहना है। तैयारी कैसे करें ये आप पे डिपेंड करता है।
कोई सा भी ऑप्शन आप अपना सकते हो। रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैच एसआई एएसआई के लगातार हॉस्टल के साथ गारंटी बैच शुरू हो चुके हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है शानदार तरीके से, हमने रहने की व्यवस्था, एक ही जगह फिजिकल इंटरव्यू, रिटर्न की तैयारी बेटियों के लिए, एएसआई के लिए चाहे एसआई के लिए। और उसमें मैं बता दूं आपको कि फीस भी हमने बहुत कम रखी है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 11 साल पहले जो फीस से मैंने शुरुआत किया था इंस्टीट्यूट, आज भी उसी फीस के साथ काम कर रहा हूँ 11 साल के बाद। महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है हर चीज की, लेकिन रिम डिफेंस एकेडमी की फीस अभी तक नहीं बढ़ी है। ये चीज का फायदा आप भी ले सकते हो, बहुत बड़ी फीस नहीं है, इतनी कम फीस में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद है वो पैसे कमाना नहीं है, पैसे तो भारत सरकार बहुत दे रही थी। एक 3 स्टार की नौकरी ऑफिसर बना के रखा था, कितने पैसे थे, कितनी रैंक थी, लेकिन मुझे काम करना है मेरे उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते इस कंपटीशन के दौर में, और सिर्फ ये सोच के निराश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा भी बेरोजगार रह गया। तो उनके लिए काम करने के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था जो मैंने शुरू में बताया था आपको, तो वो चीज़ का फायदा आप भी ले सकते हैं। और स्पेशली एसआई और एएसआई के लिए मैंने एक नंबर ये रखा है मेरा, इस नंबर के ऊपर आप मेरे से मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। अगर आपको फीस में भी किसी प्रकार की छूट की जरूरत है तो उसके लिए भी आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं पक्का आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अभी बहुत जल्दी हम एसआई और एएसआई के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाने वाले हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री रहेंगी वो क्लास। और उसके लिए आपको ये चैनल अपना दूसरा है क्लासेस के लिए, ये आपको सर्च करके रखना है, ये आपको सब्सक्राइब करके रखना है, रिम क्लासेस ऑनलाइन। ये चैनल के ऊपर आपकी क्लासेस शुरू होंगी। अभी जिस तरह से हमने पिछली बार शानदार तरीके से हिंदी की, करंट जीके की, साइंस की तैयारी करवाई, वैसी तैयारी आपको इस चैनल के ऊपर अभी मिलने वाली है। जो बच्चे जयपुर का खर्चा नहीं वहन कर सकते, वो बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, मामूली से नाम मात्र के सब्सक्रिप्शन में। और उसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी, और वहां से जाके आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। और उसमें सबसे पहले आपको मेरे गाइडेंस वाले वीडियो जरूर देखने हैं, वो तो बिना सब्सक्रिप्शन के भी देख सकते हो आप। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सीधा एसआई या एएसआई के कोर्स में जाओ, और मेरी 15 क्लासें निःशुल्क हैं बिल्कुल, वो जरूर देखो आप, जिससे आपको हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े, हो सकता है कि आप सेल्फ तैयारी करने के लिए मोटिवेट हो जाओ। उसमें आपको पूरी जानकारी, हर तरह की चीज आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पे तो लगातार मैं हूं ही आपकी मदद करने के लिए, तो बिना पैसे के भी आप सब इंस्पेक्टर एएसआई बन सकते हैं, सिर्फ इस नाम के साथ जुड़ के, सिर्फ इस रिम के साथ जुड़ के। इससे संबंधित अगर और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप एकेडमी का जो नंबर एक नीचे दिख रहा है इस पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जहां भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।